वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुला में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। आज से पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कल रात्रि में बहुत ज्यादा बारिश हुई, आज भी बारिश हुई, इसके कारण अनेक कार्यक्रम जो है वो पोस्टपोन करने पड़े, लेकिन जो जुनूनी लोग हैं उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया। और ऐसे ही व्यक्ति नोपाराम जी मंडा है, जिन्होंने आज के दिन एक बहुत ही सुंदर और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और अच्छे प्रेरणादायी लोगों को बुलाकर बच्चों को मोटिवेट किया। आइए आज के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। अतिथियों का आगमन हो रहा है। मदन जी ढाका, कैप्टन अनुमानमल चंदेलिया, क्रांति सिंह भिंचर, सुरेंद्र कसवा पहुंच चुके हैं और विद्यालय प्रशासन उनका स्वागत कर रहा है, अगवानी कर रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का ध्वजारोहण हो रहा है बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल और बाल भारती विद्यापीठ में। विद्यालय के छात्रों के द्वारा बहुत ही सुंदर परेड की जा रही है। खराब मौसम के बावजूद बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल और बाल भारती विद्यापीठ के द्वारा आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मंच को सलामी दी जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान मदन जी ढाका आरपीएस का सम्मान स्वागत किया जा रहा है स्मृति चिन्ह प्रदान करके। क्रांति सिंह भिंचर का सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो प्रदान करके। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कैप्टन हनुमान चंदेलिया जी का सम्मान साफा पहनाकर नोपाराम जी मंडा कर रहे हैं। व्यवसायी समाज सेवी सुरेंद्र कसवा का सम्मान किया जा रहा है मोमेंटो देकर। Let's go.
हम तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। तुमको खुशहाल बनाओ दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। अपना सीना काम चले हंसते हंसते।
सागर बादल चारों दिशाएं बहती गाती मगमाती ये अल्लड़ हवाएं बलखाती आती तरंगे चमके पेड़ पत्ते पूरे झिलमिल सितारे तूने जो कक्षा 8 में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले और 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का आज इस कार्यक्रम में सम्मान किया जा रहा है। सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं अतिथियों के द्वारा और विद्यालय प्रशासन के द्वारा। वीडियो बन रहा
हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे हाल में जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल तीरगों में आज आग की लपट का तुम बकार दो। जीतेंगे तो
जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। निकल के खून कहे तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जा लौट के वापस जा न सका। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा आप लोगों का। सबसे पहले तो मौसम कैसा लग रहा है अभी, है ना? अभी देखो भारत तो आज़ाद हो गया काफ़ी पहले, हम लोग आज़ाद हैं कि नहीं है? गुलाम तो नहीं है? गुलाम जैसे कि नेगेटिव थॉट के, अभी कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो कि मौसम खराब हो गया, और ये जो एकदम छोटे छोटे बच्चे जो आगे बैठे हैं ना, इन पे नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये इतने पॉजिटिव और सकारात्मक हैं। कभी तो ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं। पूरी गर्मियों में अपन इतनी गर्मी झेलते हैं, उसके बाद आज इतना टीम बनाओगे तो सपना पक्का। क्या होता है कि जब आप सपना देखना चालू करते हो ना, तो सपना अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, आपकी तरफ अपने आप ही आने लग जाएगा। जल लग जाए।
ओ जीरे दीवाना, ओ जीरे दीवाना, ओ थारा डेरा लदी ओड़ा जावे रे दीवाना, ओ थारा डेरा लदी ओड़ा जावे रे दीवाना, तारुड़ी रे मारे बारिशो, तारुड़ी रे मारे बारिशो, एक तू ही जाने थर पीत बसी रग रग में, एक तू ही जाने थर पीत बसी रग रग में, सावनियों बह जावे झर झर, यादा जद धन थारी आवे, जो धारे गयो है ना धन सनिए, जो धारे गयो है ना धन सनिए, तन पहन नरी चतुराई बनी में मौज लियायो है, तन पहन नरी चतुराई बनी में जुद्दी लियायो है, अरे अल्लाह बनाओ नदान बनाओ, अरे अल्लाह बनाओ नदान बनाओ, for us, for their upcoming Bharat. But unfortunately, we only know a few of them. There are so many unsung heroes of the Indian history. Only one day in a year is not sufficient to pay a tribute to our ancestors. We all should be proud and at least try to make every single day as Independence Day. Today, to show love towards our nation, we don't have to fight from someone or to sacrifice our life, but just by doing our moral duties, by being truthful and beloved towards our nation, we can be the one for whom this soil was once blooded. We have to become so capable that we can praise it. We can only do it when we work hard for it, and we can only work hard when we have the feeling of patriotism in our hearts. Patriotism is a deep and meaningful word to understand. Its meaning changes according to the demand and time. In the previous time, it meant to step out of your houses and rebel against the foreign rule. Whereas in today's time, a true patriot is the person who serves his best for the development and progress of the nation by being the best human resource. Since that historic day, India has come through a long way to its journey to development and progress. We have faced numerous of challenges
yet we always emerge stronger, more resilient, and together as one man, one nation. Our democracy is the largest in the world. It is the shining example of our commitment of upholding the values of liberty, equality, and fraternity. Our India is a country with so many diversities and beauty. We all should be proud that our destiny led us to take birth in here. The core of culture lies in our values and virtues. The word India is a vast term including language, religion, and culture of millions of people. Our heritage represents tradition, ethnicities, and the way of living. We have diverse landscape, plethora of culture, and a warrior-rich history. The diversity of India has posed tremendous integration problems since its formation, yet in its very diversity that its population find enormous pride. Over the year, India has achieved significant milestones in various fields. Our democracy has grown steadily and now we have become a global powerhouse, attracting investments and emerging as a hub of technology and innovation. Always remember, the world recognizes India as a vibrant and diverse nation. Now, by saying the last few words, I want to give an end to my speech. Thousands laid down their life. Thousands laid down their life so that our country can breathe this day. Please don't forget their sacrifices. Thank you once again. A very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। कविता में हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो, सोते भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम भाग्यकारी है। दुनिया का नारा समय रहो, मंजिल का इशारा समय रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ करके गोल, आउट ऑफ करके गोल, सीटी बजा के बोल। Out of control, out of go karke goal, out of go karke goal, see it pe jaake bol. सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी, क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिले, 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाई, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाई। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले गया। कविता में बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी,
जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप सब ने हम पे विश्वास दिखाया है। ये मेरा विश्वास, मेरा प्रॉमिस है आप सभी से कि ये बच्चे ज़रूर 98% लाएंगे और हमारा गाइडेंस, केयर, हेल्प पूरे इंस्टीट्यूशन की इतनी इनके साथ रहेगी कि ये वादा है किसी तरह का डिप्रेशन इन्हें नहीं होगा, लेकिन इनको साथ इतना मिलेगा, गाइडलाइन इतना अच्छा मिलेगा कि ये ज़रूर सफल होंगे। Hey, 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 hey
को शिक्षा की नगरी में बदलने वाले नोपाराम जी, पूरी स्टाफ, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज जो 78वां गणतंत्र दिवस है उसकी मैं आपको ढेर सारी दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और 3-4 दिन बाद में ही रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, जो भाई और बहन का त्यौहार, उस पवित्र त्यौहार की अग्रिम बधाइयाँ आपको देती हूँ। बेटी होती तो शायद उसको न्याय मिल पाती, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष से कभी पीछा नहीं छोड़ा और वो देश के लिए खेलने के लिए गई। वो भले ही गोल्ड मेडल नहीं ले पाई, लेकिन गोल्ड मेडल से ज़्यादा आज उसका पूरे हिंदुस्तान उसको सर आँखों पर बिठा के बैठा है। तो मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आपको हर तरह की शिक्षा के साथ साथ आपको हर तरह की गतिविधि में आपको भाग लेना। हम तो धरती का सीना चीन के अनाज पैदा करने वाले लोग हैं, तो हम ऐसी बारी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि इतना शानदार मौसम आज बना है, या बहुत सौभाग्यशाली लोग हो। हम पिछले साल, मुझे याद है 29 सितंबर को एक हमने जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिसमें राजस्थान के सारी यूनिवर्सिटी के 1,00,000 बच्चे आए थे और इतनी तेज मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन सारे बच्चे डटे हुए थे कि हमारे चुनाव को बहाल करो। और रात के 11:30 बजे डीजी वहाँ पे पहुँचे थे। तो जब अडिंग हम किसी सपने पे होते हैं ना, तो हमारा सपना कभी पीछे अधूरा नहीं रहता है। डाका जी ने बताया था ना कि एक अपने फ्यूचर का गोल देखने के लिए हमको सपना लेना पड़ता है, तो सपना लेने के लिए सोना पड़ता है और हकीकत में बदलने के लिए जगना पड़ता है। दूसरा, जितने भी जो बच्चे बैठे हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस दे के मिठाई खा के यहाँ से चल देंगे, नहीं, आपको ये देखना है कि अगले साल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, हमको भी वहाँ पे सम्मान हमारा होना चाहिए। ये हर बच्चे को आज के दिन ये ठान के जाना है। अगर आप दृढ़ निश्चय करके जाओगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप ये मत सोचो कि क्या एक सर्टिफिकेट मिला है, एक प्रतीक चिन्ह मिला है, ये प्रतीक चिन्ह बहुत मायने रखते हैं।
कण कण सुन गूंजे जय जय राजस्थान। ऊंचा भई घर मंजना घर ऊंचा भई घर मंजना घर मंजना भई घर मंजना है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। ट्रैजिक ट्रैजिक डे फॉर इंडिया। 40 सीआरपीएफ जवान हैव बीन किल्ड इन द वर्स्ट टेरर अटैक अगेंस्ट सिक्योरिटी मैन इन कश्मीर एवर। यह हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़कर रख दिया। रहा
और अब हम आतंकवादियों के भस्म से महाशिवरात्रि मनाएंगे। अब नालियों का आनंद लीजिए आप क्योंकि जबरदस्त ताली बजाइए आप। पीछे बच्चों ताली बजाइए आप। उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। ताली बजाइए अपने बच्चों को, आनंद लीजिए आप। ऐसे आप मोबाइल को देख रहे हो, आनंद लीजिए। मैं धूप है, मैं गर्मी है। ताली बजाइए, आनंद लीजिए। अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इन बच्चों को, समस्त स्टाफ को और आए हुए अतिथियों और अभिभावकों को कि आपने इस मौसम में बैठे रहकर बच्चों का हौसला बुलंद किया है। दर्शक सामने होते हैं, बिना तस्वीर के प्रतिभा का कोई महत्व नहीं होता है। अंग्रेजी पढ़ती कि पिंटू कंदी जिन को इन सादी बिग चोरी ना तू कंदी बिग बैन दी पूरा। हर गतिविधि में आप आगे आकर के अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो। केवल अच्छे अंक लाने की कोई जरूरत नहीं है, अंकों से अलावा अपने व्यक्तित्व का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप संगीत में जा सकते हो, आप डांस में जा सकते हो, खेल कूद प्रतियोगिता में आगे जा सकते हो। आपकी जिस पे रुचि है उस रुचि के अकॉर्डिंग आप अपने कार्यक्रम में भाग लें। ताली बजाइए।
ताली बजाइए, ताली बजाइए। कितने दर्शक आपको देख रहे हैं, पहुंचिए आप, आनंद लीजिए, आनंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। बच्चों के माता पिता के अंदर वीडियो लीजिए, बच्चों का, अपने बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए वीडियो बनाइए आप। और Yeah.
वंदे। भगवान ने आप पर मेहरबानी की आज इंद्र देवता ने बच्चे यादगार के रूप में रहता है। बड़े प्रसन्न मन से उसको देख मेरे देश की धरती भूल का चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन मेरा जीता है जापानी है इंग्लिस्तानी सत्यलाल जो पीरों से फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जीता है जापानी है इंग्लिस्तानी सत्यलाल जो पीरों से फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। I'm not gonna
बच्चों ताली बजाइए, ताली बजाइए, आदत लीजिए आप, और आपको भी आगे आना है कि अपनी बात पैसे नहीं लेना आपको, सबको भी चाहे धोए नहीं बच्चे भी तुम आपको भाग लेना है। चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ए मेरे प्यार के वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, इस देश के यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। अब जो बच्चे हैं उनको तरह तरह के मोटिवेशन यहाँ मिले हैं, और उस मोटिवेशन के तहत मैं बच्चों को अपने बच्चों का उत्तरदायित्व क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा। और साथ में ही बच्चे अपने उत्तरदायित्व क्या है, तो सबसे पहले जो बच्चों के उत्तरदायित्व हैं वो उत्तरदायित्व के बारे में समझें। जो छोटे बच्चे हैं वो इस बात की ओर ध्यान कम दे रहे हैं, सभी बच्चों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारा परिवार के प्रति, गुरुजनों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, और उत्तरदायित्व को समझे। नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, दिस इज आवर 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। इंडिपेंडेंस डे इज अ रिमाइंडर ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड सर्विस इज अ सोर्स फॉर इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम। Thousands of freedom fighters like Bhagat Singh, Netaji, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose sacrificed of their life. It is a day of national pride and unity where people from different castes, regions come together to celebrate the freedom of the country. Independence Day fills Indian heart with pride. So we should contribute to our great nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
आज बाल भारती इंटरनल स्कूल और बाल भारती विद्यापीठ के द्वारा 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया है और अब आप देख रहे हैं विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर नोपाराम जी मंडा और तीनों जो प्रिंसिपल हैं मैना जी जानू, मीरा जी और रचना जांगीड़ तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सभी दोस्तों को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाइयां। आज हमने आपको बाल भारती इंटरनल स्कूल और बाल भारती विद्यापीठ का एक सुंदर कार्यक्रम दिखाया। व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो पाए, लेकिन कुछ वीडियो जो आदरणीय नोपाराम जी मंडा ने उपलब्ध करवाए वो हमने आप तक पहुंचाए। काफी अच्छे अतिथिगण जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे उनको बुलाया गया और खराब मौसम के बावजूद बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बातचीत करते हैं आदरणीय नोपाराम जी मंडा से। सर बहुत बहुत स्वागत आपको, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। तो कितना अच्छा लगा क्योंकि मौसम विपरीत होने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले तो तिवारी जी समस्त नगरवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग रात को मेरे को ये अनुभव नहीं महसूस नहीं हो रहा था कि अच्छी प्रकार से कार्यक्रम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन बालाजी की कृपा से और इंद्रदेव की कृपा से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। इंद्र भगवान ने भी हमारी इज्जत को ध्यान में रखा और बच्चों के कार्यक्रम को बहुत सुंदर प्रेषित किया। मौसम बहुत सुंदर था, मैंने 10-15 दिन पहले ये तय किया था कि अब की बार जो अतिथि हैं वो अतिथि स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी या अध्यापक होंगे जी, जी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले क्रांति सिंह भिंचर को अतिथि के रूप में टॉपर या स्कूल की भी टॉपर थी और उसको वन विभाग के अधिकारी के रूप में वो 3 तहसीलों को संभालने का उसको जिम्मा है, उसको मैंने अतिथि के रूप में बुलाया। उसके बाद में लंबे समय से हमारे पास मदन जी ढाका थे जो बी टेक करने के बाद हमारी संस्था में फाउंडेशन का कार्य करते थे। 3-4 साल हमारे पास काम रहे किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपना खुद का फाउंडेशन स्टार्ट किया और उस बंदे की जो मेहनत थी उसको मैं सलाम करता हूँ हमेशा के लिए। इसलिए उस में जो जुनून था, जो लगन थी, जो मेहनत थी, उसको बच्चों को दिखाने के लिए या बच्चों को प्रेरित करने के लिए मैं उनको यहाँ बुलाया और वो आज पहले वन विभाग में नियुक्त हुए, उसके बाद में उन्होंने DYSP के पद पर पद ग्रहण किया है, उसमें सिलेक्शन हो गया और उन्होंने भी मेरे आतिथ्य को स्वीकार किया। तुरंत वो जयपुर रहते हैं फिर भी उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं की और तुरंत मेरे कहते ही उन्होंने मेरे कार्यक्रम के अतिथि के रूप में स्वीकार किया और जयपुर से ऐसे खराब मौसम में भी जयपुर से चला करके यहाँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए। उन्होंने बच्चों को एक बात विशेष कही कि बच्चों हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए और जो बच्चे 8वीं और 7वीं में या 9th क्लास में जो सपने देख लेते हैं और उस सपनों को बच्चे पूरा करते हैं, उनमें उन्होंने ये कहा कि बच्चों को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी नेगेटिव दिमाग में उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे इतने बच्चे, कम से कम 1500-1600 बच्चे बैठे थे, उन सब बच्चों ने उनसे प्रेरणा ली। और इसके अलावा एक और मेरा विद्यार्थी था सुरेंद्र कश्मा, पढ़ने में वो सामान्य था, 60-70% का बच्चा था, लेकिन आज वह लोडसर का व्यवसाय के रूप में किंग के रूप में काम कर रहा है। उसके पास पेट्रोल पंप है, बहुत अच्छा वो पेट्रोल पंप संचालित करता है, 3-4 उसके पास लीजे हैं, क्रेशर हैं, बहुत अच्छा बिजनेस सफल व्यवसाय के रूप में वो उभरा है बच्चा। बहुत अच्छा, छोटे सी उम्र में उसने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया है। तो ये मैंने तय किया कि बच्चों को इस प्रकार के बच्चों को विद्यार्थियों को बुला करके बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि केवल नंबर ही सब कुछ नहीं होते हैं, नंबरों के साथ साथ जब तक बच्चा अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नंबरों से तो केवल आप सरकारी सर्विस में जा सकते हैं, लेकिन बिना नंबर के भी बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। एक ही मेरे पास पढ़ा हुआ एक बच्चा था घिंटाला कसुम्बी का, वो आज अमेरिका में 3,60,00,000 के पैकेज पर काम कर रहा है। इतने बहुत सारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो 50 लाख से लेकर के करोड़ तक का पैकेज पर काम करते हैं। इसलिए मैंने बच्चों को बार बार मोटिवेट करने के लिए इन हस्तियों को बच्चों के सामने प्रेषित किया, बुलाया
और इन ने बढ़ चढ़ करके इन बच्चों को मोटिवेट किया। और मदन जी ढाका ने कहा कि जब भी आप मेरी आवश्यकता पड़ती है तो आप बच्चों के लिए मोटिवेट के लिए बुलाइए। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में, ट्रेनिंग पीरियड में, आज समय ने उनको वहाँ अपने कार्यालय में उपस्थित देनी थी, फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं करते हुए हमारे अतिथि को स्वीकार किया। मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने कम से कम 4 घंटे हमारे कार्यक्रम का आनंद लिया। बच्चों ने बड़े जोश के साथ इस सुंदर मौसम में आनंद लेते हुए कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ दी है। छोटे से लेकर बड़े बच्चों, हर नर्सरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया। और इसके साथ साथ मैंने कक्षा 10, कक्षा 12 में 85% से अभाव वाले बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और कक्षा 8 में जिन बच्चों को 1 ग्रेड आई उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। और मैंने ये कहा कि भी ये प्रतीक चिन्ह एक यादगार के रूप में होता है, लेकिन इस प्रतीक चिन्ह को देख रहे हो, इसका मूल्य आप आंकेंगे तो कोई मूल्य नहीं होता है। 100 रुपये का हो सकता है, 2 रुपये 200 को हो सकता है, सम्मान बड़ा, लेकिन सम्मान बहुत बड़ा चीज है। आज कुछ दादी माँ बच्चों के साथ यहाँ फोटो लेने के लिए बड़े खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से ज्यादा प्यारी मेरी पोतियां है। मूल कहा होता है कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, तो उसी के एक दादी माँ ने तो आंसू आ गए, इतनी खुशी थी उनके पास कि एक बच्चे ने 93% हासिल किया था दसवीं में। दुर्भाग्य मेरा ये रहा कि मैंने 97-98% माना था बच्ची को, लेकिन आना था आज 14 अगस्त को रिजल्ट आया है, 10 नंबर बढ़कर के उसने 95.17 अंक हासिल किया ट्रेन में से सीधे। ऐसे कॉपियों में कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा बच्चों कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आज नहीं तो कल, दसवीं नहीं तो 12वीं में आपने जो तय किया है वो अंक आप लेकर के आओगे। इसके साथ साथ मेरे को हमेशा हर तरह से मोटिवेट करते रहते हैं एनजीओ चलाते हैं अमृता जी चौधरी, उनको भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वो महिला सशक्तिकरण के मामले में बड़े स्टिक रहते हैं और अच्छे लोगों का कार्य, महिलाओं को रोजगार देते हैं, और जब भी मैं बुलाता हूँ तब भी समय समय पर हमारे मार्गदर्शक के रूप में आते हैं। और जब भी मैं किसी भी बच्चे के लिए या किसी के लिए कहता हूँ फीस के लिए, तो सहर्ष वो 1-2 बच्चों की हर साल फीस देते हैं। इस साल इन्होंने भी अभी 5 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की घोषणा करके गए कि ऐसे बच्चियाँ होनी चाहिए जो होशियार हो और गरीब हो, परिवार आवश्यकताबंद हो, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने मोटिवेट किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, उन्होंने मेरे कहते ही ये घोषणा की। इसके साथ साथ मेरे साथ मेरा एक बच्चा पढ़ता था, अभय गोदारा, धनराज जी गोदारा का लड़का, जो दुबई में रहता है और टाइल्स का काम करता है, कंपनी लगा कर कंपनी है उसकी, उस कंपनी में 10-15 लोग या 20-25 लोग काम करते हैं। और उस बच्चा ने बिना किसी मांगे उसने 1 लाख संस्था में डॉक्टर अशोक कुमार जी चौधरी के हाथों से 1 लाख रुपए भिजवाए, और ये कहा कि उन बच्चों को ये पेमेंट करना है जिनको आवश्यकता है। और गुरुजी आपको यदि और भी लगता है ऐसा कि ये बच्ची फीस जमा नहीं करा पाती है या फीस की वजह से पढ़ नहीं पाती है, तो आप निसंकोच मेरे को कहिए। और तो ऐसे बच्चों में धन्यवाद देता हूँ कि 27-28 साल की उम्र में ऐसे बच्चे जो पॉजिटिव सोच के साथ, ऊर्जा के साथ बच्चों के ऐसे जगह पैसा लगाना चाहता है कि मेरे पैसों का उपयोग हो। मैंने कहा ऐसा क्यों किया आपने? उसने कहा कि गुरुजी मेरे मन में विचार आया कि लोग शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मैं कुछ नहीं पीता हूँ, मैंने मेरे पास जो पैसा बचा है उस पैसों को मैं ऐसी जगह लगाऊं जो बच्चे हमेशा जिंदगी में याद रखें कि मेरे को किसी ने पढ़ाया था, मेरी आवश्यकता थी, मैं पढ़ाई छोड़ सकता था, नहीं पैसा, मेरे पापा पैसा जमा नहीं करवाना, फीस जमा नहीं करवाने की वजह से, तो इसलिए मैंने आपको चुना। क्योंकि मैं बार बार सुनता हूँ कि आप लोगों से पैसा लेकर के दूसरे बच्चों को पढ़ाते हो, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब के अभिनव पार्टी के संस्थापक हैं अशोक जी चौधरी, उनके माध्यम से उन्होंने 1 लाख रुपए मेरे को संस्था में भेंट किए। और मैं बड़ी उस परिवार को, धनाराम जी गोदारा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे सपूत को पैदा किया है जो पॉजिटिव सोच के साथ, लोगों के बच्चों की कल्याण की योजना के साथ वो काम करता है। छोटी सी उम्र में ऐसे विचार बहुत कम लोग रखते हैं। पैसे बहुत सारे लोगों के पास हैं, करोड़ों अरबों में हैं, लेकिन इतना बड़ा उधार दिल होना संभव नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि मेरी संस्था में ऐसी बच्चों को भेजिए जो वास्तव में गरीब हैं और उनके माता पिता
पढ़ाने में ऐसा ही है, तो ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाने का संकल्प लेता हूं आज के दिन 15 अगस्त के दिन कम से कम 10 बच्चों को, और मेरे पास ऐसे दानदाता बैठे हैं जो इन बच्चों को फीस जमा करवा सकते हैं। और ये आपने जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये पूरी मेरी टीम है, उस टीम के बदौलत इतना बड़ा शानदार आयोजन हुआ है। आपने देखा होगा परेड भी होती है, हर संस्था परेड और पिटी नहीं करवाती है, जगह की कमी रहती है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, स्वर्गीय तेजाराम जी जांगीड़ का श्यामबाड़ी का जो नोरा है, वो जब भी हम कहते हैं तुरंत हमें इन बच्चों के लिए सुपुर्द करते हैं और अच्छा हम कार्यक्रम करवाते हैं। उसके लिए मैं उस पूरे परिवार उनके बेटों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बिना किसी संकोच के हमें ये जगह उपलब्ध करवाते हैं। उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार उनका उनके प्रति ऋणी रहेगा हमेशा के लिए, और उनकी बदौलत ही आज इतनी जगह हमें मिली है, उस जगह में इस कार्यक्रम को मनाने का आनंद आया है। जगह के अभाव में हम कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं, लेकिन पवन जी गोदारा का सहयोग रहता है, उनको मैं कहता हूं तो तुरंत उनके अजीज मित्र हैं वो, और कहते हैं ये जगह हमें उपलब्ध करवा देते हैं। इसके लिए मैं पवन जी गोदारा को भी धन्यवाद देता हूं, और समस्त लोग मेरे लिए जितने भी लोग हैं इस मोहल्ले के संकलावास के, सब मेरे हितैषी हैं। बड़े बुजुर्ग भी बाहर बैठे रहते हैं, वो भी ये इस बात को ध्यान में रखते रहते हैं कि गुरुजी कब आएंगे, कब आप कार्यक्रम करोगे, कितना अच्छा कार्यक्रम करोगे, बड़ा आनंद लेते हैं। तो भगवान ने भी आज हमारे पर मेहरबानी की है कि यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, और बड़ा धूमधाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और लेफ्टिनेंट कर्नल के पास रिटायरमेंट हनुमान मल चंदेलिया बिना किसी वेतन के निस्वार्थ भाव से बाल भारती इंटरनल को ये सेवाएं देते हैं, और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, किसी के पास समय नहीं रहता है। और ये बंदा हमेशा 15 दिन 10 दिन तक बच्चों को पीटी परेड के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और बच्चे बड़े प्रभावित होकर के इनसे परेड सीखते हैं, और उसका ही आज आप डेमो देख रहे हैं। जितना हमसे प्रयास किया जाता है उतना हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए साल में 2 या 3 इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम करते हैं ताकि बच्चों को स्टेज मिले। स्टेज पर आने से बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है, बच्चे में बोलने की क्षमता का विकास होता है, बच्चे में आगे आने की भावना पैदा होती है। माताएं अपने बच्चे को स्टेज देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। आज देखिए आप देख रहे हो शिव जी, कितनी माताएं अपने बच्चों का वीडियो ले रहे हैं बड़े प्रसन्न मन से। छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे हैं, चाहे कैसे हाथ हिला रहे होंगे, कैसे डांस कर रहे होंगे, लेकिन बड़ा आनंद आता है। ऐसे कार्यक्रम में हर बच्चे को पार्टिसिपेट जब किया जाता है तो बड़ा आनंद लेते हैं लोग, और आनंद के साथ हमें भी बड़ी अनुभूति खुशी अनुभव होती है कि मेरी पूरी मजबूत टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। क्योंकि पूरी टीम 4:30 बजे लगी थी, टेंट वाले भी 4 बजे आए थे, क्यों रात को आपको पता है कि भयंकर वर्षा हो रही थी। वर्षा के दौरान पहले हम मैदान में आए, 5 बजे वर्षा प्रारंभ हो गई, रास्ते में पानी भरा था, वहाँ मिट्टी डलवाई गई, मलबा डलवाया गया, उसके बाद मैदान में आए लेकिन लाइनें नहीं हुई। सुबह 4:30 बजे कारपेट लगाया गया, स्टाफ 5 बजे आकर के लाइनिंग की गई और बच्चों को बैठाने की व्यवस्था की गई, कुर्सियाँ लगाई गई। तो देखिए स्टाफ का मनोबल, देखिए आप जिज्ञासा, देखिए कि हमें किस प्रकार हमारे कार्यक्रम को सफल बनाना है। तो पूरी चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष स्टाफ हो, सब दिन रात मेहनत करके हर गतिविधियों को आगे लाने में प्रयास करते हैं। ऐसे रिजल्ट के मामले आपने देखा होगा, भले हम टॉपर नहीं रहे होंगे, 99% नहीं आएंगे, लेकिन हमारा गुणात्मक जो रिजल्ट है वह सुजानगढ़ में 1 नंबर पर रहता है हमेशा, और अनुशासन के मामले में, इन दोनों में सर्वाधिक रूप से हमारी मेहनत है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है, हमारी इंचार्ज की मेहनत है। मैं नाम जी जानू सीनियर सेकेंड बाल भारती इंटरनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को संभालते हैं, और रचना जी जांगीड़ जो इंग्लिश मीडियम को 10th तक संभालते हैं, मीरा जी जांगीड़ कैशियर ग्रुप में काम करते हैं। इन तीनों बहनों का इतना शानदार कॉम्बिनेशन है जिसके बदौलत आज इस संस्था में लगभग 1900 के लगभग बच्चे हैं, और इन्हीं दीदियों का प्रभाव है, और ये सबसे लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं। मैं तो कुछ कह देता हूँ कई बार, लेकिन फिर भी ये मेरे को कहते रहते हैं गुरुजी ऐसा मत कीजिए, लेकिन इन सब के सहयोग से, इनका सबका तालमेल अच्छा होने की वजह से ही
कम संख्या हमारे पास ज्यादा है, अभाव स्थान का अभाव है, फिर भी लोग हमारे पर विश्वास करके इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चों को भेजते हैं। पुनः मैं उन आज अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, मेरे कार्मिक रहे हुए हैं, उन्होंने मेरे आतिथ्य को स्वीकार किया और एक लंबे समय तक यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके साथ साथ एक मेरे गांव के ही विक्रम सिंह राठौर, वो भी अतिथि के रूप में से बच्चा था लेकिन उनके परिवार के ही है, वो हमेशा 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन बच्चों को लड्डू वितरण का कार्यक्रम करते हैं। इनके द्वारा भी बच्चों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। अमृता चौधरी के द्वारा भी बच्चों को केला वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और सुरेंद्र कशवा के द्वारा भी 24-25 हज़ार रुपये का लाडू वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इन बच्चों ने बिना किसी कहे हुए तुरंत हर सहयोग करने के लिए सारे बच्चे मेरे प्रति, मेरी संस्था के प्रति रात दिन एक करके लगे रहते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि गुरुजी की संस्था कैसे आगे बढ़े। इसी के पूरा सुजानगढ़, मेरे मिलने वाले मेरे मित्र लोग, मेरे मोहल्ले के सब मिलजुल करके ये पॉजिटिव सोच के साथ हम प्रयास करते हैं, तब जाकर के संस्था में का विकास होता है। इन सब लोगों का सहयोग है, इसीलिए मेरी संस्था दिन रात आगे बढ़ती जा रही है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा मौका दें कि मैं ऐसे समाज की बच्चों को पढ़ाऊँ, हर समाज की, चाहे किसी भी समाज की बच्चियाँ हो उनको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और कोई भी यदि मेरे को कहता है कि वास्तव में जो आवश्यकतम परिवार है उसके लिए मैं हाथ फैलाने में मेरे कोई हर्ज नहीं है। एक बच्चे ने मेरे को कहा कि मेरे परिवार के लोग 10 रुपये संग्रह ब्याज भर के आपको फीस जमा करो। मैंने कहा आज के बाद आपको फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपने दे दी वो आपकी मर्जी है, आज के बाद मत दीजिए। उस बच्चे से मैंने 11वीं के बाद 11वीं और 12वीं दोनों क्लास में फीस नहीं ली और दानदाताओं के द्वारा उस बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कहते ही कहने पर और वास्तव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैं उनका मूल्यांकन भी करवाता हूँ कि वास्तव में जो पैसा खर्च कर रहा है अभिभावक, जो दानदाता, वह सही जगह पर लग रहा है या गलत जगह पर लग रहा है। और वो बच्चे 80% या 75% से अभाव के बच्चे होते हैं और बहुत विनम्र बच्चे होते हैं। और ऐसे क्रांति सिंह भिंचर, ये अपने हर क्लास को टॉप करती आई है हमेशा से, बड़ी सहनशील और आज्ञाकारी बहन रही है। इसीलिए बच्चों के सामने मैंने एक उदाहरण पेश किया कि देखिए आप में से ही इस संस्था में पढ़कर के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर चले जाते हैं, तो आप भी इनसे प्रेरणा लेकर के आज के दिन प्रेरणा लीजिए और आप भी आने वाले समय में कुछ करके दिखाइए, कुछ बनके दिखाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए।